दो हो गई। लेट किस दो हुआ है? भाड़ में बोला हुआ था। उठ जाओ, चलना नहीं है क्या? सो गए यार। कहाँ गया अश्विनी? कहाँ गया? बस बोल गया भाई। उसने उठाया भी नहीं यार, उसको बोला था उठा देने के लिए। बोला हो गया। चलो फिर चलते हैं, तैयार होते हैं फिर निकलते हैं। चलो चलो फिर। हाँ जी, तो 10 बज चुके हैं और पहले व्लॉग में स्वागत है। हाँ जी, तो अभी जस्ट सोकर उठे हैं, लेट हो गया उठने में, मतलब लगभग 10:30 हो चुका है। हमारा निकलने का प्लान था जल्दी, सुबह 8 बजे, लेट हो गए। तो आज हम जहाँ जा रहे हैं वो एक तिब्बतियन मार्केट है, यहाँ पर विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पड़ता है। किसी को भी पता अगर जानना हो तो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है, मजनू का टीला बोलते हैं। तो वहाँ आज हम तिब्बतियन मार्केट कैप्चर करने जा रहे हैं और फर्स्ट व्लॉग है ये मेरा, तो मैनेज कर लेना चीज़ें। बाकी अभी ऐसे तो नहीं जा सकते, दाढ़ी और ये बाल थोड़ा सा कटिंग करा के चलते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर। छोटे करा लिया रे, हां मां भाग रहे थे, बीट भी लगभग सेट हो चुकी है। चाल बना लो, चलते हैं। तो जस्ट अभी बाल कटाकर आए हैं और बीट सेट कराकर, तो वो वाला सीन होता है ना, सबके साथ होता होगा कि मतलब अगर आप बाल और बीट कटाते हो, मतलब बार्बर की जब शॉप पे होते हो तो अलग ही एकदम लगता है कि इस तरीके से ये किस तरीके के बाल हैं, और जब घर पे आते हो तो ये मिलता है एक्सपेक्टेशन से रियलिटी वाला। तो वो सब चीज़ों के बारे में तो आराम से बात होती रहेगी। फिलहाल आज का जो मुद्दा है वो ये है कि हम आज तिब्बतियन मार्केट एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली की, जो कि मोनेस्ट्री बोल सकते हैं उसे। तिब्बतियंस की चीज़ें हैं भाई, शॉपिंग वगैरह की सारी चीज़ें होती हैं, टेम्पल्स भी है सुना है वहाँ। देखते हैं यार कैसा होगा। और कहाँ जाने वाले भाई? तिब्बतियन मार्केट जाने वाले भाई। तो बाल बाल कटा के आए हैं भाई साहब, सेक्स वेक्स ही लगने वाला। तेरा तो एक्सपेक्टेशन था रियलिटी वाला गया, लेकिन मेरा बढ़िया लगा। ऐसा सीन है ना कि मैं भाई थोड़ी देर बीच में सो भी गया था और अगला सोया नहीं है, बिल्कुल ऐसी है एकदम कि हिलने वाला सीन नहीं है। नहीं भाई, तो बाकी आराम से चलते हैं, चल के दिखाते हैं आगे का क्या सीन है। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं। तो अब ऑलमोस्ट लग नहीं रहे पर हाँ रेडी हो चुके हैं, अब चल रहे हैं। काफी देर हो गई, मतलब 1 बज चुका है लगभग, और ये सब तैयारी चल रही है यहाँ भी, और यहाँ तो फौजी तैयार हो गया। एक बार जैकेट हटा के दिखा, हटा के देखा, ये फौजी तैयार हो चुका है गन 1 पॉइंट पे, एकदम गोप्रो लेके सारी चीजें तैयारी हैं। और बाकी मिलते हैं वहीं, तब तक के लिए। उधर लगा देते सामने वहां पे सेफ रहेगी। बाइक पार कर दी है, तो अब आओ यार, लेट हो रहा है काफी। आ जाओ। डिशेस देखियो कौन सी पता है? कौन सी डिश है? पता नहीं कौन सी है। पता ही नहीं भाई, बस ये है कि हाँ देखने में प्यारा सा लग रहा है कुछ, देखते हैं टाइम मिला तो फिर कैसे। बाकी यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा यही चीज़ें मिल रही हैं, विंटर की सारी चीज़ें, स्वेटर और जैकेट्स वगैरह। देखते हैं कुछ अच्छा दिखता है तो दिखाते हैं। अच्छा यार, ये बड़े सेक्सी बैग है।
साइड पूछना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मंदिर देखना है हमें किस साइड में, हमें नहीं पता तो काफ़ी ज़्यादा कैफ़ेज़ बने हुए हैं यहाँ, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव कैफ़ेज़ हैं फ्रॉम मसूरी देहरादून दिल्ली। मतलब इन कैफ़ेज़ का जो मसूरी में भी है, देहरादून में भी और दिल्ली में भी ब्रांच है खालसांग करके, काफ़ी अच्छा खूबसूरत कैफ़े बना हुआ है, तो विज़िट करें यहाँ के। प्रॉपर एड्रेस तो नहीं बता पाऊँगा कि कौन सी गली में है, बट हाँ पूछोगे किसी से तो कन्फर्म। एकदम जो पहाड़ों वाली वाइब होती है ना वो आ रही है यहाँ, मतलब ऑन रोड पे रह के भी आपको पहाड़ों वाली वाइब आ पा रही है। हाँ हाँ वही वही। तिब्बतियन टेम्पल है, आई डोंट नो कि सॉरी मुझे नाम नहीं पता, बट काफ़ी खूबसूरत टेम्पल है। और यार अगर आप लोग यहाँ पर आसपास रहते हो, कश्मीरी गेट के आसपास रहते हो या फिर विश्वविद्यालय के साइड में, तो फिर इस जगह को एक बार विज़िट ज़रूर करो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब एक जैसे होता है ना कि आप प्लेन्स पे होके भी आप पहाड़ों वाला फील ले सकते हो, तो वैसा ही एटमॉस्फेयर है, वैसे ही हमारे ब्लॉगर्स भाई भी लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, बाकी भाई भी हैं हमारे, सारे ब्लॉगर हमारे साथ में हैं। और एक बार इतना इस टेंपल के बारे में हमें नहीं पता, बट हाँ ये पता है कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है। बाकी एक्सप्लोर करते हैं एक बार, देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, आपको बता पाऊँ, इनको दे पाऊँ, इनको नहीं भी दे पाऊँगा तो चीज़ें अच्छी अच्छी तो एक्चुअली दिखा पाऊँ। ठीक है, बंदर राजा, खरगोश राजा, चिड़िया रानी, ठीक है हो गया ना फैसला, चलते हैं यार। बाकी यार अब चाय पीने चलते हैं, और चाय पीने चल रहे हैं ना, चाय पीने चल रहे हैं, अब थोड़ा सा चाय देखते हैं क्या है, काफ़ी थक भी गए हैं थोड़ा सा, और उन लोगों की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, बट हाँ अच्छी लैंग्वेज है बोल रहे हैं ये लोग, जो भी समझ में नहीं आ रही बट हाँ अच्छी लैंग्वेज है। माइक की क्वालिटी वॉइस की मुझे नहीं पता कि अच्छी आ पा रही है या नहीं आ पा रही है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, तो उसी हिसाब से देखते हैं। बाकी सही है यार, एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ लोकेशन क्या है। एक ब्लॉगर हमारे पहले से बैठे हुए हैं यहाँ, दूसरे ब्लॉगर यहाँ हैं, और तीसरे अपने भाई साहब ये सस्ते ब्लॉगर अल्ट्रामैक्स लाइट प्रो ये हैं, तो चाय का इंतज़ार करते हुए यहाँ पर, ऑर्डर तो कर दिया है, बाकी चाय पियेंगे और उसको आप आराम से। और ये पेंसिल्स रखी हैं या फिर कुछ, ये भी तो नहीं पता, ये कुछ वो चॉपस्टिक नहीं होती हैं चौमिन खाने की? हाँ चॉपस्टिक है, चॉपस्टिक है। ओह माय गॉड, मुझे पेंसिल लग रही थी। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, मैं मिर्च उठाने की कोशिश करता हूँ इससे, देखता हूँ उठा पाऊँगा या नहीं। ये एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी है चाय आ चुकी है, सारे भाइयों की, अपनी चाय एक बार टेस्ट करके बताओ सब अपना एक्सपीरियंस कैसी है चाय। फिलहाल तो बहुत गर्म है और अच्छी चाय है, मैं भी ये कहने वाला था, एक्सपेक्टेशंस जो थी अभी हिम्मत नहीं हो, अच्छी है। ठीक है, चाय पीने के बाद बाहर मिलते हैं। हमारी चाय
आधा घंटा हो गया छोटू, आधा घंटा। हमारे भाई ने आधा घंटा इंतजार करवाने के बाद फाइनली ले आया है जो है मोमो। भाई ये कप्स उठा दे यार, मैं उठवा दे। वो नहीं है चटनी, इट्स सो मच मैस यार। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, थोड़ा सा वैली है बट यही है कि बाहर निकल के थोड़ा बहुत वैली तो हो जाता है, बाकी बहुत अच्छा टेस्ट है यार। मेन चीज़ जो है ना ये चटनी है इनकी, मेन गेल उसका है। बढ़िया यार। तो अभी जस्ट चाय पी है, मोमो खाए हैं, थोड़ा सा पेट में कुछ गया तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बाकी दोबारा से यहीं पर आ गए हैं। काफ़ी है यहाँ, जो आप लड़कियों के कपड़े वपड़े अगर आप लेना है, सैंडल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छा शॉपिंग के लिए काफ़ी ठीक जगह है, मतलब प्राइसेस का इतना कंफर्म नहीं है जितना एक आध जगह कंफर्म भी किया तो प्राइसेस का जो था वो थोड़ा सा महंगा। मार्केट का जो भी सीन था, मतलब मोनेस्ट्री का, वो हमने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की पूरी पूरी, और मे भी सक्सेसफुल होंगे दिखाने में। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बाकी टाइम टू टाइम अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे कंटिन्यू इस चैनल पे। और ये हम लोग जहाँ पर हैं इस टाइम एक कैफ़े है, काफ़ी खूबसूरत कैफ़े है, और इसके जो सिनेमैटिक शॉट्स होंगे वो आप लोगों को दिखाऊँगा मैं। और घर चलने का टाइम हो गया ना, बाकी अब घर चल रहे हैं, काफ़ी देर हो गई और हम मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू।